दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा टिगोर के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। गाड़ी को लिए मुझे 3 महीने हो चुके हैं और गाड़ी 3,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। तो आज हम बात करेंगे गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आई मुझे और गाड़ी में क्या क्या चीज़ें बुरी लगी मुझे और गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी है। गाड़ी का लुक बहुत ही अच्छा है, गाड़ी में इंजन जो है बहुत ही पेपी इंजन है, मतलब बहुत पावरफुल इंजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरी गाड़ी EMT है, ऑटोमेटिक है, तो ट्रांसमिशन के साथ आती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो बहुत ही अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। मैं हिल्स पे गाड़ी चलाता हूँ, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ में रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती EMT में भी। और गाड़ी में 2 मोड दिए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड और एक दिया गया है इकॉनमी मोड, या आप कहें सिटी मोड भी दिया गया है। उसमें मैं गाड़ी चलाता हूँ, नॉर्मली सिटी मोड पर चलाता हूँ मैं गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल जाती है उसमें भी गाड़ी। स्पोर्ट्स मोड में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिल्स में भी, पहाड़ों में भी मुझे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसमिशन में भी गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है गाड़ी का, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको म्यूज़िक सिस्टम में गाड़ी के। गाड़ी का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, गाड़ी का कंफर्ट A1 है। आप 5 लोग बैठिए गाड़ी में, बहुत ही अच्छा कंफर्ट है। आप ट्रैवल कीजिए पूरे सफ़र में, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी आपको। गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है, गाड़ी में बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है। अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 5 लोगों के सामान के साथ आप और बहुत सारा सामान भी ले आ सकते हैं। मैं फ़िलहाल में अभी दिल्ली के टूर पे गया था, मैं बहुत सारा सामान डाल के लाया था, घर के काम चल रहा था तो मेरे उसके लिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है गाड़ी में दिक्कत क्या क्या है। सबसे पहले दिक्कत मुझे गाड़ी में लगी गाड़ी के ग्राउंड क्लीयरेंस की। इनफ है सिटी के लिए, जैसे आप दिल्ली वगैरह पे रहते हैं जहाँ प्लेन्स वगैरह पे, तो वहाँ के लिए तो ठीक है, इनफ है। बट हिल्स में मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे लिए इनफ नहीं है ये इतना। बहुत जगह रोड जो होती है ख़राब होती है, कहीं पे मलबा आए रहता है, लैंडस्लाइड वगैरह हो रहता है, तो मुझे वहाँ पे दिक्कत आती है। और दूसरी बात करें गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी की, तो गाड़ी मुझे उतना फ्यूल इकोनॉमी नहीं दे पाती है गाड़ी। जब मैंने दिल्ली वगैरह साइड को प्लेन्स में ट्रैवल किया था, तब तो गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज दे रही थी मेरे को, गाड़ी 25 से 26 तक का माइलेज दे रही थी मेरे को इजीली। बट जब मैं अब यहाँ हिल्स पे चलाता हूँ, गाड़ी मेरे को 12 से 13 का माइलेज देती है, वो भी सिटी मोड पे। अगर मैं उसको मैक्सिमम बहुत ही अच्छे तरीके से चलाऊँ तो मेरे को मैक्सिमम 14 तक का माइलेज देगी। अगर मैं उसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दूँ गाड़ी को, तो मेरे को कम से कम 10 से नीचे का ही माइलेज देगी, उससे ऊपर तो माइलेज देगी नहीं। और एक बात ध्यान दीजिए, मैं हमेशा AC ऑन रखता हूँ, तो AC ऑन ही रहता है, तो माइलेज उसके साथ ही रहेगा। जो 25 बताया मैंने, 15 बताया, 10 बताया, वो सब AC ऑन के साथ है। और बात करते हैं गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें मुझे कमी लगी। गाड़ी थोड़ा आवाज़ करती है कभी कभी, आप गड्ढों पे ले जाएंगे, किसी बड़े गड्ढे पे आवाज़ करती है थोड़ा, आप मुझे लगता है वो, आपके लिए क्या पता नहीं हुआ आपके ऐसा, तो आवाज़ करती है थोड़ा जब इंजन गियर चेंज करता है, थोड़ा लैग है बट उतना भी नहीं है। बट उसके साथ साथ जब आप सिटी मोड में ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी तीसरी गियर पे जाती है, बट RPM के हिसाब से गाड़ी में स्पीड स्लो रहती है, तो गाड़ी और थोड़ा वाइब्रेट करती है, वो भी मुझे दिक्कत लगी गाड़ी में। और गाड़ी में बैक कैमरा नहीं है, क्योंकि XZA मॉडल है मेरा, इसके बाद भी मेरे इस गाड़ी में बैक कैमरा नहीं है, तो वो मुझे बहुत ही थोड़ा बैक साइड लगी इसकी। और गाड़ी में सेंसर वगैरह हैं, पार्किंग सेंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, और आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है टाटा की सर्विस। टाटा की सर्विस में सबसे बेकार लगा, जब मैंने डिलीवरी के टाइम जब मैंने गाड़ी ली थी, तो एक क्रोम बार दिख रहा है आपको, ये मैंने लगाया हुआ है आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ में। बट जब मैंने गाड़ी ली थी, तब मेरे को रात को पता नहीं चल पाया, क्योंकि रात को डिलीवरी ली थी मैंने। अगले दिन जब मैं देख रहा था, तो यहाँ पे एक फ्लावर टाइप का लगाया रखता है गाड़ी के डिलीवरी लेते समय, तो उसके पीछे मैंने देखा तो जैसे तो पिघल के पूरा कलर निकला रहता है, वैसे इसका कलर निकला हुआ था। अभी तो क्रोम बार है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो ये मुझे बहुत ही एक चिन्नी चोरी टाइप की लगी उनकी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे बम्पर पे मुझे 1-2 स्क्रैच मिले, बम्पर के नीचे भी 1-2 स्क्रैच मिले मुझे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस हिसाब से मैंने गाड़ी ली थी, मैं सोच रहा था गाड़ी परफेक्ट मिलनी चाहिए। और गाड़ी में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, और इन फ्यूचर मेरे को गाड़ी में कोई दिक्कत आएगी तो मैं और वीडियो से अपडेट करूंगा आपको। पहली सर्विस जो मेरी रही, पहली सर्विस फ्री सर्विस थी, मैंने हल्द्वानी पे कराया था, गोला गणपति मोटर्स पे। तो मेरे को उन्होंने कहा था कि आप पीछे साइलेंसर के नीचे कोई कलर वगैरह पेंट वगैरह करा लो, बोल रहे थे, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया था। बट मैंने पॉलिश वगैरह कराया था, जो उन्होंने 800 का किया था, और साथ में कुछ ग्रीसिंग वगैरह की थी, उसके चार्जेस लिए थे, टोटल 1200 रुपये के आसपास लगे थे मेरे, तो उसी के 800 रुपये और 200-300 रुपये उन्होंने ग्रीसिंग वगैरह और थोड़ा इसी चीज़ के लिए लिए थे फर्स्ट सर्विस में। तो और तो सब फ्री था फर्स्ट सर्विस में। और दूसरी चीज़, एक दिक्कत और थी मेरी गाड़ी में, वो थी आपकी को ड्राइवर सीट जो है मेरी, वो आवाज़ करती थी।
जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो हल्की सी पू पू करके आवाज़ करती थी गाड़ी, पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी भी अच्छे से लॉक नहीं लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने दिखाया उनको, सर्विस वालों को, तब भी मेरी ये दिक्कत ठीक नहीं हुई अभी तक, पता नहीं कब ठीक होती है, अगली बार में होती है नहीं होती है, बट ये दिक्कत है इसमें, ये आवाज़ करती है। बाकी गाड़ी परफेक्ट है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाटा टिगोर लेना चाह रहे हैं और ऑटोमेटिक में भी लेना चाह रहे हैं तो मैं XZA मॉडल टाटा का टिगोर का बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगा, एकदम बेस्ट गाड़ी है, और सेगमेंट में तो सिर्फ बेस्ट गाड़ी आपको मिल ही नहीं सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल टिगोर माफिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि मैं गाड़ियों से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ, और खासकर टाटा टिगोर के बारे में तो मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, क्या क्या इस गाड़ी में फीचर्स हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही है गाड़ी में, और आगे भी मैं ऐसी चीज़ें बनाते रहूँगा, और बहुत सारी ऑटोमोबाइल से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं। आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में।